पूरी दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना से बचाव के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। चूंकि ये महामारी बहुत विकराल रूप लेती जा रही है, लिहाजा अपने आप को सेफ रखना जरूरी है। घर पर रहने में सबसे भलाई है। भले ही हिंदुस्तान के पास वर्ल्ड क्लास मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन जज्बा इस कदर है कि इस महामारी से निपटने के पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, जो चीन भी नहीं कर पाया था। लिहाजा आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि हमारी सरकार ने ऐसा क्या किया है जो बड़ी राहत वाली बात है। वो आपके दिल को तसल्ली ही नहीं बल्कि भरोसा भी कायम करने में कामयाब रहेगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जो जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको जैसा भी लगे हमें कमेंट जरूर करके बताएं कि आप कोरोना की जंग को फतह करने में कौन से तरीके अपना रहे हैं, क्योंकि इतनी तैयारी तो चीन भी नहीं कर पाया था। भारत में चल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल मिशन। कोरोना वायरस से जंग के बीच चीन ने 15 दिन में 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर सबको हैरानी में डाल दिया था। अब जब भारत पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, तो देश उससे बड़े स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। संक्रमित लोगों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने का काम पूरी तेजी से चल रहा है। भारतीय रेलवे डिब्बों में लाखों बेड का हॉस्पिटल बना रहा है। रेलवे 20,000 कोचों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर रहा है। इन कोचों में कुल मिलाकर 3,20,000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था हो जाएगी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल मिशन बताया जा रहा है, क्योंकि एक साथ 3,00,000 से ज्यादा बेड तैयार करने वाली घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई है। रेलवे कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने के लिए सशस्त्र बल मेडिकल सेवा, कई जोन के मेडिकल विभाग, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य मंत्रालय से सलाह ली गई है। रेलवे ने बताया है कि सबसे पहले 5,000 कोचों को बदला जा रहा है, इससे 80,000 बेड तैयार हो जाएंगे। पिछले हफ्ते ही गुजरात में केवल 6 दिन में 2200 बेड के हॉस्पिटल बनाए गए थे। ये हॉस्पिटल अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में बने हैं। चीन की तरह भारत में भी 1,000 बेड वाला हॉस्पिटल बन रहा है। ये हॉस्पिटल ओडिशा में बनेगा। ये कोरोना वायरस के लिए देश का सबसे बड़ा 1,000 बेड वाला हॉस्पिटल होगा। कोरोना से जंग में उद्योगपति भी साथ दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, वहां रिलायंस ने 2 हफ्तों में 100 बेड का हॉस्पिटल खुलवाया। कोरोना महायुद्ध से मुकाबले के लिए सेना तैयार। कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए सशस्त्र बल के 9,000 बेड वाले हॉस्पिटल तैयार हैं। इसके लिए 8,500 डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ को भी स्टैंड बाई पर रखा गया है। पिछले 3 दिनों में वायुसेना ने सैन्य विमान से देश भर में करीब 25 टन चिकित्सा आपूर्ति की है। सेना कई संगठनों को अब तक 1.5 लाख लीटर सैनिटाइजर मुहैया करा चुकी है। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO भी नैनो तकनीक के जरिए 5 परतों वाला N99 फेस मास्क और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE का युद्ध स्तर पर निर्माण कर रहा है। DRDO की एक प्रयोगशाला रोजाना 20,000 PPE बनाने की भी व्यवस्था कर रही है। साथ ही वेंटिलेटर में मामूली संशोधन करने की कोशिशों में लगे हैं, ताकि एक मशीन एक ही समय में 4 रोगियों के काम आ सके। वहीं वायुसेना ने अपना सहयोग देते हुए दिल्ली, सूरत और चंडीगढ़ से मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक करीब 25 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की है और सभी विमानों को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। नौसेना ने बनाई टेम्परेचर सेंसर गन। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में मौजूद भारतीय नौसेना के इंजीनियर्स ने शरीर का तापमान मापने के लिए नई सेंसर मशीन तैयार की है। इंफ्रारेड आधारित इस टेम्परेचर सेंसर गन की मदद से बड़ी संख्या में लोगों की स्क्रीनिंग संभव हो पा रही है। खास बात यह है कि ये मशीन सिर्फ 1,000 रुपए की लागत से ही तैयार हो गई है, जो बाजार में उपलब्ध दूसरी टेम्परेचर सेंसर गन के मुकाबले काफी सस्ती है। इस टेम्परेचर सेंसर गन का डिजाइन, निर्माण और उत्पादन नेवल डॉकयार्ड ने खुद किया है। तमिलनाडु में बना डाली डिस इंफेक्शन टनल। कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में लोगों का जीवन सुरक्षित रखने के लिए 90,000 रुपए में एक सुरंग तैयार की गई है,
जिसके जरिए लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये तरकीब भारतीय कंपनी परिसंघ और जिला प्रशासन की मदद से तैयार की गई है। इस डिसइंफेक्शन टनल में 3 नोजल के 2 सेट से सोडियम हाइपोक्लोरेट सॉल्यूशन का स्प्रे किया जाता है। जब लोग सुरंग से निकलते हैं तो 3 से 5 सेकंड तक फव्वारे का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे वायरस खत्म हो जाता है। जो लोग कोरोना बीमारी के वक्त जन सेवा में लगे हैं, उनको इस सुरंग में हाथ ऊपर और हथेली को सामने रख कर गुजारा जाता है। भारत में बना COVID-19 स्पेशल वेंटिलेटर। महाराष्ट्र की कंपनी NOCCA रोबोटिक्स के इंजीनियर्स ने IIT कानपुर के सहयोग से कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए खास वेंटिलेटर्स तैयार किए हैं। इन पोर्टेबल वेंटिलेटर्स की कीमत 50,000 रुपए से कम है। इस वेंटिलेटर के उतने ही फीचर हैं जिनकी जरूरत खास तौर से COVID-19 के मरीजों की जान बचाने में पड़ती है। पुणे स्थित इस स्टार्टअप के फाउंडर निखिल कुरुले ने कहा है कि ये स्वदेश में निर्मित पोर्टेबल वेंटिलेटर है, जो काफी सस्ता है। इसके सारे कलपुर्जे भारत में ही बने हैं। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये वेंटिलेटर्स इसी महीने अप्रूवल के बाद बाजार में आ जाएंगे। ये वेंटिलेटर्स स्थायी रूप से एक मोबाइल फोन से जुड़ा है, जिसका उपयोग डिवाइस को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण जानकारी दिखाने के लिए किया जाता है। स्वदेशी तरीके से बनाई कोरोना जांच किट। कोरोना को लेकर दुनिया में युद्ध स्तर पर रिसर्च हो रहे हैं। दूसरी तरफ संक्रमण से बचने और संक्रमितों की पहचान सुनिश्चित करने की दिशा में भी तरह तरह की तरकीब सामने आ रही है। जुगाड़ों का देश भारत इस मामले में किसी से पीछे नहीं है। देश में वायरोलॉजिस्ट मीनल भोसले ने पुणे के एक डायग्नोस्टिक फर्म माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के साथ मिलकर देश का पहला कोरोना जांच किट तैयार किया है, जो बहुत जल्द मार्केट में आ भी चुका है। मीनल ने कहा है कि स्वदेश में बना ये किट 2.5 घंटे में टेस्ट रिजल्ट दे देता है, जबकि विदेशी टेस्टिंग किट को 6 से 7 घंटे लगते हैं। हर माई लैब किट से 100 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं और जांच का खर्च 1200 रुपए आता है। ये रकम विदेशी किट के खर्चे यानी 4500 रुपए के मुकाबले करीब 1/4 है।